बस रोक ले। सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि बरसात चालू हो चुकी है। तो बरसात के समय में हमारे इधर क्या होता है, खेती किसानी की जाती है, जो मक्के, धान, ज्वार है, बहुत सारी फसल लगाई जाती है। तो उससे पहले हमें हल चला के मिट्टी को बखरना पड़ता है, तो वही स्टार्टअप में करने वाला है। तो चलिए आज पूरा टूर कराएंगे, तो चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बेल बंधे हैं और इनको जहाँ पर चारा दी थी, अब इनको पानी पिलाने ले जाएंगे। छोड़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि पानी पिलाने ले जाना पड़ेगा ना, और उसके बाद में थक जाते हैं ना, हम भी थक जाते हैं और ये भी थक जाते हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो, पानी पी के आते हैं। हैंडपम्प ले जाना पड़ता गाइस, हमारे इधर सुविधा नहीं है पानी की। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये रहा नल और ये पानी पिला रहा हूँ मैं। तो चलिए देख लो, ये पीले पीले आम हैं आपके। हमारे इधर सभी प्रकार के आम होते हैं, खट्टे, मीठे, पीले, हरे, पीले, छोटे, मोटे, सभी प्रकार के आम होते हैं। तो सीज़न गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए आम का मज़ा ले लेते हैं। इसको किसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से खा सकते हैं, चोक के खा लो, दबा के खा लो, छिलके खा लो। तो ये रस वाला है तो इसको चोक चोक के खाते हैं। सो फाइनली गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने छोड़ दिया है। तो हमारे इधर इसी प्रकार से खेती किसानी की जाती है। अभी तो पानी गिरेगा, लगभग कितने दिन लग जाएंगे वो तो कंफर्म नहीं है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा जरूर बताओ, और एक चीज़ बताओ, आपके इधर किसानी करते हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं, ज़रूर राय बताना। हमारे इधर तो इसी प्रकार से किसानी करते हैं। तो गाइस, एक चीज़ और आपसे कहना था कि एक चीज़ बताओ, आपको मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं बना के रख रहे, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट बना के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।